تبرکن سورہ فاتحہ الحمد للہ صلی علی محمد اللہ صلی علی محمد اعوذ باللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید العرب والعجم سید الثقلین جد الحسن والحسین المصلی للقبلتین سیدنا و نبینا وطبیب قلوبنا وشفی ذنوبنا وشفی المذنبین ابی القاسم محمد وآله الطیبین الطاہرین المعصومین الذین اذهب اللہ عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وخطابه المتين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم يوم ندعو كل أناس بإمامهم صلوات نعرہ تکبیر اس طرح نہیں جس طرح ذات احدیت بزرگ و برتر ہے اسی طرح سبھی حضرات مل کے جواب دیجئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت آواز بلند نعرہ حیدری نعرہ حیدری نعرہ صلوات خالق کائنات سے دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کی اس زحمت کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عنایت فرمائے آپ تمام حضرات کی دلی حاجات کو پورا فرمائے مریضوں کو شفاء کاملہ و عاجلہ عنایت فرمائے اور جو ہمارے بھائی ہمارے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے قابل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں جیسے میرے بھائی نے ابھی اناؤنس فرمایا ہے ہمارے حوزہ کے حوالے سے تو میں اس کی تھوڑی سی گفتگو تو انشاءاللہ دوران مجلس ایک دو چار جملے کہوں گا لیکن آپ حضرات میں سے جس نے بھی تعاون کیا ہے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اگرچہ آپ نے اپنا حق ادا کیا ہے لیکن معصوم فرماتے ہیں من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر گزار نہیں بن سکتا تو میں آپ سب حضرات کا شکر گزار ہوں اپنے ادارے کی طرف سے اپنے حوزے کی طرف سے خالق کائنات آپ کے رزق میں برکت عنایت فرمائے مل کے صلوات پڑھ لیجیے باواز بلند صلی علی محمد
इरशाद खालिक के कायनात हो रहा है, यौम नदऊ कुल्ला उनासिम बे इमामहिम, कि हम हर शख्स को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। कयामत के दिन हम हर इंसान को उसके इमाम के साथ बुलाएंगे। अब एक बात तो तय है कि जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने मरना है, तो वो जो फरमा रहे हैं ना, जो शख्स भी इस दुनिया में आया है उसने मरना है, मौत यकीनी है। अब मरने के बाद हमें किसके दरबार में जाना है? अल्लाह के दरबार में जाना है। और अल्लाह के दरबार में हम किस तरह जाएंगे? अल्लाह फरमाता है यौम नदऊ, हम कयामत के दिन बुलाएंगे कुल्ला उनासिम, हर इंसान को बे इमाम हिम, अपने अपने इमाम के साथ, जो जो दुनिया में जिस जिस इमाम को मानता रहा है उस इमाम के पीछे चलता हुआ वो अल्लाह के दरबार में आएगा। अब ये तो है आयत का तर्जमा। थोड़ा सा अगर गौर करें कि हम जो दुनिया में आमाल करते हैं, नमाज़ें पढ़ते हैं, रोज़े रखते हैं, हज करते हैं, नमाज पढ़ने वाले से पूछो क्यों पढ़े हो नमाज, जवाब मिलता है जन्नत के लिए। क्यों रोज़ा रख रहे हैं? जन्नत के लिए। क्यों हज कर रहे हो? जन्नत के लिए। ज़कात क्यों दे रहे हो? जन्नत के लिए। हर कोई जन्नत की लालच में अमल करता है। सिर्फ एक हस्ती मुझे पूरी कायनात में नजर आती है, जब उससे सवाल किया जाता है ऐ मौला तू अमल किस लिए करता है, तो वो चैलेंज करके कहता है अल्लाहुम्मा मा अबदतुका तम अल जन्नतिक वला खौफ अल नारिक बल वजदतुका अहलल लिबादा, ऐ अल्लाह मैं अली, तो वह जो है ना दोस्तों, ऐ अल्लाह मैं अली, तेरी जन्नत के लालच में नहीं, तेरे जहन्नम के खौफ से नहीं, मैं सर इसलिए सजदे में रखता हूं कि तुझे इसके लायक समझता हूं। एक सलावत पढ़ दीजिए बाज इब्लाद मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हर शख्स के अमल करने की एक ही ख्वाहिश है, एक ही तमन्ना है, एक ही नतीजा चाहता है, रिजल्ट चाहता है कि मैं जो अमल करूं उसके बदले में अल्लाह मुझे जन्नत दे दे। अब जन्नत दुनिया में मिलेगी या आखरत में मिलेगी? जवाब दीजिए ना, दुनिया में मिलेगी या आखरत में? आखरत में मिलेगी। अब ये दुनिया क्या है? इसमें आपने पेपर वर्क करना है, आपने वो काम करने हैं जिसकी रिजल्ट आपने उस दुनिया में आखरत में देखना है। अभी अल्लाह कहता है आखरत में जन्नत मिलेगी, लेकिन तुम्हें जाना है मेरे दरबार से होकर, पहले मेरे सामने पेश होगे फिर जन्नत में जाओगे। तो अब अल्लाह क्या तेरे दरबार में हमने अकेले आना है? नहीं भाई, अपने अपने इमाम के साथ आना है। तो आप पता चलाना, जब इमाम के साथ आना है और दरबार से होके हमने जाना है जन्नत में, तो कम अज कम दोस्तों उसको इमाम बनाओ जिसके जन्नत में जाने का यकीन हो, इसलिए कि आपने जाना है जन्नत में। अभी मैं कल हिदायत टेलीविजन देख रहा था, तो वहां सवाल करने वाले हमारे एक अहले सुन्नत भाई ने सवाल किया कि आप कुरान से हमें इमामत का तसव्वुर और आप जो अकीदा इमामत बयान कर रहे हैं उसका कुरान से जवाब दीजिए। तो मौलाना हजरत बहरहाल जवाब दे रहे हैं, देते रहेंगे, लेकिन एक जवाब मैं आपके जहनों तक पहुंचा के जा रहा हूं कि इमामत के नजरिए से मुंह मोड़ने वाले, दुनिया में भी तू इमाम के बगैर अमल करेगा वो अमल काबिले कबूल नहीं। तो वजह यह नहीं है,
इमाम के बगैर अगर कोई भी अमल करेगा वो काबिले कबूल नहीं, आखिरत में वो भी काबिले कबूल नहीं। अभी मैं दुनिया की मिसाल बाद में दूंगा, पहले ज़रा आखिरत के मरहले को हल कर दूँ, इसलिए कि इंसान लालची है और उसे जन्नत चाहिए। जब जन्नत चाहिए तो अल्लाह के दरबार से होके जाना है, और अल्लाह कहता है मैं हर किसी को उसके इमाम के साथ बुलाऊंगा। तो अब मुझे नहीं पता कि कौन जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा, लेकिन इतना पता है वो जन्नत में जाएगा जिसका इमाम जन्नती। या रसूल अल्लाह, आपके सारे कलमा पढ़ने वाले क्या जन्नत में जाएंगे? रसूल फरमाते हैं नहीं, मेरे बाद मेरी उम्मत के 73 फिरके, 73 ग्रुपों में उम्मत मुस्तफ़ा ने तकसीम हो जाना है। तो या रसूल अल्लाह क्या ज़्यादा जन्नत में जाएंगे? कहा नहीं, एक जन्नत में जाएगा, 72 जन्नत में नहीं जाएंगे। तो पता चला कोई अपनी कसरत पे भी नाज ना करे कि हम ज्यादा हैं, तो ज्यादा के लिए रसूल ने क्या कहा कि वो जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत में जाएगा। अब नाम बताया है, यहां मैं नाम नहीं बताऊंगा, मैं यहां सिर्फ सिफात बताऊंगा कि जाने वाले की सिफत क्या है, कि वो जाएगा जिसका इमाम जन्नती होगा। अब मुझे किसी और दूसरे के इमाम के बारे में कुछ नहीं कहना। नौजवानों से इतनी गुजारिश है कि मेरे एक जुमले पे तवज्जो कीजिएगा, माने या ना माने, तवज्जो है या नहीं है, माने या ना माने, और जहनों में रखें कि हमने जाना है अपने अपने इमाम के साथ। अब मुझे किसी और ग्रुप की कोई बात नहीं करना, कौन जन्नत में जाएगा या नहीं जाएगा। मैं इतना कहता हूं, जिसको हम इमाम मानते हैं दुनिया उस अली को अमीरुल मोमिनीन माने या ना माने, तो वजह है दोस्तों, दुनिया उस अली को अमीरुल मोमिनीन माने या ना माने, उस अली को इमामुल मुत्तकीन माने या ना माने, अली को कोई कायदुल गुर्रुल मुहज्जलीन माने या ना माने, अली को कोई यासूबुद्दीन माने या ना माने, अली को कोई कातिलुल मुशरिकीन माने या ना माने, अली को कोई ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला ज़ुल्फ़िकार माने या ना माने, कोई अली को या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क कोई माने या ना माने, कोई अली को या अली अंत मिन्नी बिमंज़िलति हारून मिन मूसा माने या ना माने, कोई अली को साकी कौसर माने या ना माने, कोई अली को कातल मरहबो, तवज्जो है या नहीं है। सुन के, मुकम्मल सुन के इंसाफ आपने करना है दोस्तों, और इस जुमले पे गौर करना है, माने या न माने, कोई मेरे अली को साकी कौसर माने या न माने, कोई अली को कातल मरहब अंतर माने या न माने, कोई अली को मुस्तफ़ा का दामाद माने या न माने, कोई अली को अल्लाह का खाना जाद माने या न माने, कोई अली को जबरील का उस्ताद माने या न माने, कोई अली को आदम का मौला माने या न माने, कोई अली को मूसा का आका माने या न माने, कोई अली को जहरा का शौहर माने या न माने, कोई अली को काबे का गौहर माने या न माने, लेकिन आज तक कोई झूठे से झूठा रावी, झूठी से झूठी रिवायत ये नहीं बता सकती कि अली जन्नत में नहीं जाएगा। बल्कि मुझे तो ये मिलता है, मुसलमानों का बनाया हुआ पहला खलीफा ये कहता हुआ नजर आता है, मैंने सुना, किससे सुना, रसूल से सुना। क्या सुना? कि रसूल फरमाते हैं ला यजूजो आदुनिस सरात इल्ला मन कतबा लहू अलियुनिल जवाज, के लस्टर वालों कोई मां का लाल उस वक्त तक पुल्ले सरात को क्रॉस नहीं करेगा जब तक अली का परवाना हाथों में नहीं होगा। उस वक्त तक कोई पुल्ले सरात को क्रॉस नहीं करेगा जब तक अली का परवाना हाथों में नहीं होगा। तो पता चला जन्नत में वो जाएगा जिसका इमाम जन्नत में जाएगा। हमने जाना है अपने अपने इमाम के पीछे। तो दुनिया वालों, मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मैं आपको एक नेक मशवरा दे रहा हूं, हर बात पे कंप्रोमाइज करो तो करो, लेकिन मसले इमामत पे कभी कंप्रोमाइज ना करो। इमाम देख के उसकी शनाख्त करो,
आप अपने घर से मार्केट में वेजिटेबल लेने के लिए जाते हैं, उसको भी कई मर्तबा देखते हैं कि ये नई दे रहा है या पुरानी दे रहा है, तवज्जो है या नहीं है। क्यों? इसलिए कि घर में वाइफ का डर होता है, जाएंगे तो फिर डांट पड़ेगी अगर गलत चीज ले गए। तो मेरे भाई, अगर एक टाइम का खाना खाना है उसके लिए इतनी तवज्जो करता है, बार बार उसको देखता है, तो जिसके पीछे तूने जन्नत में जाना है, हैदरे, उसे तो पहचानने की कोशिश कर, उसकी शनाख्त कर, उसकी आईडी को पहचानने की कोशिश कर कि ये कौन है, किसका बेटा है। तवज्जो ये नहीं है, ये कौन है, कहां पे पैदा हुआ है, ये कौन है, किस जैसा है। जिसको मैं इमाम, वो तो है ना, पूरी जिंदगी के अमल का दारो मदार है उस इमाम के नाम पर। आप अगर दुनिया में कोई भी अमल करते हो, मैं हकीकी इमाम की बात नहीं करता, इस दुनिया की, शायद मैं मिसाल पहले यहां दे चुका हूं, अगर दे चुका हूं तो माजरत चाहूंगा, अगर नहीं दे चुका तो उसको नोट कर लीजिएगा कि अगर दुनिया में भी कोई इमाम है जिसके पीछे आपने आके चार रकतें या तीन रकतें नमाज पढ़नी है, वहां भी लाजिम है कि उसकी इत्तेबा करो। ऐसा ही है ना, ऐसा नहीं हो सकता कि मौलाना जाए रकू में और आप सजदे में चले जाएं, मौलाना सजदे में जाएं आप तशहुद में बैठ जाएं, ऐसे नहीं होता। क्या होता है, जैसा इमाम करे वैसा उसके पीछे पीछे करते जाओ, ताकि तुम्हारी नमाज नमाजे जमात बन जाए। और नमाज जमात आप जानते हैं ना, एक बंदा नमाज पढ़े उसका सवाब और है, दो पढ़े और है, चार पढ़े और है, दस बंदे जब नमाज जमात में शरीक हो जाते हैं तो अल्लाह फरिश्तों को कहता है कि अब इसका सवाब इतना है कि इसको लिखना छोड़ दो, इस जमात का सवाब इतना ज़्यादा है कि वो शुमार नहीं किया जा सकता। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा से बोला, तो इमाम वो होना चाहिए जिसने आपको दुनिया और आखिरत में आगे लेके जाना है, उसको पहचानो। वो हम इमाम कैसे बना रहे हैं, क्या उसको तो नहीं बना रहे जो हमारी तरह बुतों के सामने सर सजदे में रखता रहा, तो जो है ये नहीं है। इसीलिए जब बुत तोड़ने की बात आई तो सिर्फ अली इब्ने अबी तालब को कहा गया, क्यों? इसलिए कि बड़े बड़े लोग अगर वहां जाते तो शायद बुत अगर बोल के कह देता, आज मुझे तोड़ने आए हो, कल मेरे सामने सर झुकाते रहे। उसे इमाम बनाओ जिसकी मां जब इस नेमत खुदाबंदी को लेकर खाना काबा के करीब आती है तो ये बीबी के जुमले हैं, कायनात की कीमत का जुमला कहने जा रहा हूं। बीबी ये कहती है, हे अल्लाह मैं तुझ पे ईमान रखती हूं। ये नहीं कहा कि अब लेके आ रही हूं मुश्किल है तो नहीं, कहा मैं तुझ पे ईमान रखती हूं, तेरे नबियों पे ईमान रखती हूं, तेरे मलाइका पे ईमान रखती हूं, तेरी किताबों पे ईमान रखती हूं। फिर जो जुमला कहा वो ज़हनों में नोट कीजिए, बीबी कहती है अल्लाहुम्मा बेहक हाजल मौलूद, ऐ मेरे अल्लाह तुझे उस मौलूद का वास्ता। ओ मेरे भाइयों, जब अली जैसे मुश्किल कुशा की मां की मुश्किल अली के बगैर हल नहीं होती, जब अली जैसे मुश्किल कुशा की मां की मुश्किल, और इसलिए तो हम हर किसी को दावत फिक्र देने आए हैं और ये कह रहे हैं दुनिया वालों हमसे ना पूछो अली क्या है, हम जवाब दे रहे हैं गुले इस्मत को हम पांच कली कहते हैं।
गोले इसमत को हम पांच कली कहते हैं, हर ऐसी कली को हम अल्लाह का वली कहते हैं। अरे जो मुश्किल में अंबिया के काम आए, हम ऐसे मुजाहिद को अली कहते हैं। हम या अली, हम ऐसे मुजाहिद को अली कहते हैं। कौन अली? जिसकी मां की दुआ अभी खत्म नहीं हुई, पूरी मुझे वलादत नहीं पढ़ना, सिर्फ दो जुमले कह के आपको आगे उस मंजिल पे लेके जाना चाहूंगा ताकि मसले इमामत समझ में आ जाए। बीबी की दुआ अभी खत्म नहीं हुई, उधर से इशारा हुआ, दीवारें काबा टूटी। मैं चैलेंज करके कह रहा हूं लोगों, आज सऊदी अरेबिया के सारे शहजादे अपने तेल के सारे कुओं को बेचकर एक बेटा काबा के अंदर पैदा नहीं कर सकते। तो जो है ना दोस्तों, यार अपनी अपनी सारी दौलत खर्च करके भी एक बच्चा काबा में पैदा नहीं कर सकते। क्यों? इधर से कोई खातून इस अमल के लिए काबा में जाएगी, उधर से सारे मुसलमान कहेंगे काफिर हो गई, मुशरिक हो गई। अब इस कुफर से बचने के लिए ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन वो ईमान एक कुल की माँ, तवज्जो दोस्तों, ईमान एक कुल की माँ। इधर से दुआ खत्म नहीं हुई, उधर से इशारा हुआ, दीवारें काबा टूटी। ओ मेरे मुसलमान भाइयों, सुबह मस्जिद में जाओ, अल्लाह तुम्हारी मस्जिदों को आबाद रखे। तुम कितने भी बहादुर क्यों ना हो, अगर देखो मस्जिद की दीवार टूट रही है तो मुझे बताओ क्या मस्जिद के अंदर चले जाओगे? नहीं जाएंगे ना, दीवारें मस्जिद गिर रही है तो भागेंगे, बल्कि फोन करेंगे इमरजेंसी को, जल्दी आए, ये क्या हो रहा है, मस्जिद गिर रही है। तो अली की माँ है खातून, तवज्जो, सैनफ नाजक, देखा दीवारें काबा टूट रही है, अब बीबी डरी नहीं, तवज्जो दोस्तों, तवज्जो, बीबी डरी नहीं, बीबी परेशान नहीं हुई, बीबी बिस्मिल्लाह पढ़ के अंदर चली गई। अब बीबी का बिला खौफ अंदर चले जाना बता रहा है, बीबी खुद नहीं आई, बुलाया गया। तवज्जो है ना दोस्तों, बीबी का बिला खौफ अंदर चले जाना बता रहा है, बीबी अपनी मर्जी से नहीं आई। और फिर एक और दलील भी देना चाहता हूं कि आपके यहां एक मुखी होता है ना, उसके पास मस्जिद या इमाम बारगाह की कुंजियां होती हैं। जब मैं 96 में आया था उस वक्त ऐसा ही था, अब नहीं मालूम ऐसा है या नहीं है, उसी के पास कुंजी होती है। आप भाई बताइए, काबा की कुंजी किसके पास थी? ये एक टेक्निकल सवाल है आपसे। काबा की कुंजी हजरत अबू तालिब के घर में थी। अगर अब बीबी ने अपनी मर्जी से आना होता तो कुंजी साथ लेके आती। लेकिन बीबी का बगैर किसी कुंजी के आना, ये बता रहा है बीबी अपनी मर्जी से नहीं, उस बुलाने वाले की मर्जी से आ रही है। और बीबी जानती है आज एक अजब काम होने वाला है। तो हो सकता है कोई मुसलमान सवाल कर दे, मौलाना अगर बीबी को अल्लाह ने अंदर बुलाना ही था तो दीवार तोड़ने की क्या जरूरत थी, दरवाजा खुल जाता? भाई जवाब यह है, अल्लाह जानता है ये अली है इल्म का दरवाजा। तो वजह है या नहीं है? अली है इल्म का दरवाजा, और दरवाजा कभी दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा कभी दरवाजे में नहीं लगता, दरवाजा हमेशा दीवारों में लगा करता है। इसीलिए बीबी जब अंदर चली गई, अब वो दीवार दोबारा मिल गई, लोग परेशान, कोशिशें करते रहे, दरवाजा नहीं खुला, कुफले काबा नहीं खुला, अब सारे लोग मिलकर उसके पास आए जो फखरे बनी हाशम है,
जो रईस से बता है। कहा है अबू तालिब, क्या तुम्हें खबर है तेरी इज्जत कहां है? कितना बड़ा सवाल किया, क्या तुम्हें खबर है तेरी इज्जत कहां है? हजरत अबू तालिब ने फख्र से कहा, हाँ मैं जानता हूं मेरी इज्जत इज्जत वाले के घर में है। हैदरे इस बच्चे की हौसला अफजाई के लिए नारे हैदरी। तवज्जो है दोस्तों, मेरी इज्जत इज्जत वाले के घर में। कहो क्या बात है? काबू तालिब हमने देखा इस तरह फातिमा बिनते असद काबा के अंदर चली गई, दीवारे काबा दोबारा मिल गई। अब दिन गुजर गए हैं, हमें नहीं मालूम वो जिंदा है या नहीं है, खाने पीने का कोई इंतजाम नहीं। तवज्जो दोस्तों, बहुत तेजी से गुजर रहा हूं। अब हजरत अबू तालिब ने क्या किया, पैगंबर खातम को साथ लिया। अब काबा के करीब आए, वही कुफले काबा जो कई चाबियों से कई कुंजियों से नहीं खुला था, पैगंबर के कदमों की आवाज सुनी, कदमों में गिरा, गिर के कहा मैं गवाही देता हूं अल्लाह एक तो उसका नबी है। पैगंबर अंदर चले गए, जाके देखा चची अम्मा है, पहलू में नन्ना सा बच्चा है। जाके बच्चे को उठाया, सीने से लगाया, मुंह को चूमा, पूछा चची अम्मा बताओ ये सब कुछ कैसे हुआ? कहा बेटा जब मैं अंदर आई मैंने चार मस्तूरात को देखा, एक के हाथ में पानी है, एक के हाथ में फ्रूट है, एक के हाथ में पंखा है, पंखे वाली ने मुझे पंखे से हवा दी, फ्रूट वाली ने फ्रूट खिलाया, पानी वाली ने मुझे पानी पिलाया, चौथी बीबी ने अपना जानू पेश किया, मैंने सर रखा सो गई, जब जागी तो देखा पहलू में ये बच्चा मौजूद है। रसूल ने कहा चची अम्मा आपको खबर वो चार बीबियां कौन? तो वजह दोस्तों, मैंने कहा ना इमाम बनाने से पहले देखो ये कौन है, किसका बेटा है, कहां से आया है। तो रसूल ने कहा चची अम्मा वो कौन? कहा बेटा तुम बताओ कौन? कहा उनमें एक हव्वा है, एक आसिया है, एक मरियम है, एक सारा है। तो मुझे कहने दीजिए जिस अली की मां की दाया चार मुकद्दस बीबियां बन के आए, उसका मुकाबला उन लोगों के साथ कि जिनके मां है तो बाप का पता नहीं। तो वजह या नहीं दोस्तों, शनाख्त मालूम नहीं है। दोस्तों अली इब्ने अबी तालिब वो अजीम इमाम है, हमने नहीं बनाया, अल्लाह ने उसे इमाम बनाकर भेजा है और हमें फख्र है, हमें उसी इमाम के साथ इस दुनिया में भी रहना है और उस दुनिया में भी जाना है। और जब कभी मुश्किल होती है हम अपने मौला को बुलाते हैं, वो हमारी मुश्किल को हल करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा लोगों ने अपने दरवाज़ों पे, अपनी गाड़ियों पे, अपने हर जगह पे या अली मदद का नाम लिख के रखा होता है। क्यों? इसलिए कि हम कभी शर्मिंदा नहीं होते, हम बुलाते हैं वो आते हैं। तो वो जो है ना दोस्तों, और हमारी देखा दाखी आज लोगों ने अपने बुजुर्गों को भी बुलाना शुरू किया है। मैं कहता हूं भी जिसको मर्जी है बुलाइए, लेकिन इतना याद रखिए उसे बुलाइए जो बुलाने पे आए। तवज्जो भाई, शायद मैं बात समझा नहीं सका। उसे बुलाइए जो बुलाने पे आए, अरे जो रसूल के बुलाने पे ना आए। मैं नहीं, ये तो कुरान कह रहा है कि मेरा रसूल तुम्हें बुला रहा था और तुम जवाब नहीं दे रहे थे। उसे अपनी मदद के लिए बुलाओ जो तुम्हारे बुलाने पे आए। और आए मेरे शिया सुन्नी भाइयों, अली को अपना इमाम मानते हुए कभी शर्मिंदगी महसूस न करो, इसलिए कि अली वो है जो वारिस कुरान है, अली वो है जो दीन हक का अलम बरदार है, अली वो है जिसने हमारी जिंदगी में इनकलाब पैदा किया है। और वो इनकलाब ये है, अली ने अपने रब के घर में आकर दुनिया को बताया है मैं हूं जो मौलूद काबा हूं। कहां आया?
काबा के अंदर। कहां से उठा? अल्लाह के घर से, मस्जिद कूफा से। तो इसीलिए इकबाल ने कहा कितना अजीम है ये इंसान कि जिसकी आमद अल्लाह का घर है और जिसका जाना वो भी अल्लाह का घर है। एक सलावत पढ़ लीजिए बाबा जी बोला। एक मरतबा फिर सलावत पढ़ लीजिए बाबा जी बोला। वक्त की सुइयां चूंकि बहुत तेजी से बढ़ती हैं और असलन कोई एहसास नहीं होता वक्त कितना गुजर गया, तो दो चार मिनट आपको और जहमत दूंगा और इंशाल्लाह अगर ज़िंदगी ने कभी वफा की तो मज़ीद कुछ बातें कभी आपके सामने अर्ज़ करूँगा। यौम नदउ कुल्ला उनासिन बे इमामिहिम, हर शख्स ने अपने अपने इमाम के साथ जाना है। आज हमारी इस दुनिया में लोग इस मज़हब तशय्यो को, इसलिए कि मज़हब शिया इंतहाई पाको पाकीज़ा मज़हब है, ये आप मानते हैं ना बात, इससे पाको पाकीज़ा कायनात के अंदर कोई मसलक नहीं है। इसलिए कि शिया किसी फिरके का नाम नहीं है, शिया किसी ग्रुप का नाम नहीं है, शिया किसी ग्रोह का नाम नहीं है, शिया उस मूवमेंट का नाम है जिसका बानी, जिसका फाउंडर खुद पैगंबर खुदा है। शिया उस तहरीक का नाम है जिसकी बुनियाद खुद रसूल मुअज्जम ने रखी है और इसलिए फरमाया या अली अंता व शिया तो का हुमुल फायजून यौमल कयामा, ए अली तू और तेरे चाहने वाले, तू और तेरे नक्शे कदम पे चलने वाले, तू और तेरे पैरोकार। तो ये जुमला मैं पहले कह चुका हूँ और फिर भी दोहरा रहा हूँ, दुनिया कहीं आपको गुमराह ना करे, अल्लाह अल्लाह है और अल्लाह के बाद उसका रसूल है और रसूल के बाद अगर कायनात में सबसे बड़ी हस्ती कोई है तो वो अली इब्ने अबी तालिब है। अल्लाहुम्मा सल्ले अला। तो बहुत बड़ा है वो शख्स जो अली को अपना इमाम मानता है और अली के दिए हुए तोहफों को एहतराम की नज़र से देखता है। इसलिए कि मैंने भी आज एक दो तोहफों का जिक्र करना है। गिफ्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है। अभी क्रिसमस गुजरा, नया साल गुजरा, आपने अपने बच्चों को गिफ्ट दिया होगा, तो दो चीज़ें, गिफ्ट देने वाला वो भी बताता नहीं है मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दे रहा हूँ, सरप्राइज़ देता है, ऐसे ही होता है ना, और दूसरा कभी उसकी कास्ट नहीं बताता, कीमत नहीं बताता, और लेने वाला गिफ्ट को एहतराम की नज़र से, रिस्पेक्टफुली उसको देखता है, एहतराम की नज़र से देखता है। गिफ्ट कितना ही कम कीमत का क्यों ना हो उसको सीने से लगाता है, इसलिए कि उसको पता है कि ये गिफ्ट मुझे जिसने दिया है मेरा उससे बड़ा रिश्ता है। तवज्जो है या नहीं दोस्तों? तो आपको हर चीज़ बेशक भूल जाए लेकिन एक चीज़ कभी नहीं भूलनी चाहिए और वो है आइम्मा का दिया हुआ तोहफा, और वो तोहफा है नमाज। कौन सा तोहफा है? नमाज। नमाज तोहफा है अली इब्ने अबी तालिब का। नमाज किसी मुल्ला के कहने पे नहीं पढ़ी जाती, किसी मौलाना के कहने पे नहीं पढ़ी जाती, नमाज आपके लिए मेरे लिए गिफ्ट है। किसकी तरफ से? मेरे इमाम मौला अली की तरफ से। नमाज गिफ्ट है किसकी तरफ से? सैयदा जहरा सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से। नमाज गिफ्ट है किसकी तरफ से? सैयदा जैनब की तरफ से। भाई मैं आपसे सवाल करता हूं, आपके मौलाना भी या रेजिडेंट आलिम मौजूद हैं, उनसे भी मेरा यही सवाल है कि जब लेडीज़ नमाज पढ़ती हैं तो उनके लिए लिबास कैसा होना चाहिए? जवाब यकीनन यही मिलेगा कि सारे की सारी बॉडी जो होती है वो कवर होनी चाहिए, कोई चीज़ उसकी नंगी नहीं होनी चाहिए। अच्छा मौलाना, अगर वो अकेले एक कमरे में नमाज़ पढ़ रही हो तो फिर भी सारी बॉडी कवर होनी चाहिए? जवाब मिलता है हाँ, सिवाय चेहरे और हाथों के सारी बॉडी कवर होनी चाहिए, सर के बाल कवर होने चाहिए और सर पे चादर या मकना मौजूद होना चाहिए। और मेरे शिया सुन्नी भाइयों, मुझे बताओ सैयदा ज़ैनब का दिया हुआ तोहफा नमाज
वो सजदा कैसा सजदा होगा। सजदे हुसैन को आप बहुत याद करते हैं, अल्लाह आपको ये सजदा हमेशा जिंदा और सलामत रखे। लेकिन मुझे बताइए, हुसैन का सजदा भी था, एक ज़ैनब का सजदा भी था, कि जब 10 मुहर्रम की शाम हुई ना, शाम गरीबा से पहले इधर मगरब का वक्त हुआ, उधर अकबर का लाशा, उधर कासिम का लाशा, सामने फुरात के किनारे अब्बास का लाशा। और अभी मैंने आपसे सवाल तो कर लिया कि खातून के लिए क्या ज़रूरी है, कि उसकी पूरी बॉडी कवर होनी चाहिए। अब जहरा की बेटी जब करबला की गरम रेत पे नमाज पढ़ने के लिए आई होगी और अपने दोनों हाथ अल्लाह अकबर के लिए बुलंद किए होंगे, तो क्या बीबी के हाथ अपने बालों से टच नहीं हुए होंगे? यकीनन बीबी ने कहा होगा, नाना गवाह रहना, आज ज़ैनब नंगे सर नमाज। आज रुकम अल्लाह रोने वालों, हर चीज भूल जाना लेकिन ज़ैनब का ये तोहफा ना भूलना। और चूंकि आज जिसका दिन मना रहे हो ना, ये वही सकीना तो है। कितना अजीब अंदाज है, जब कभी भी नमाज पढ़ती एक मुसल्ला नहीं दो मुसल्ले बिछाया करती। मर जाता मैं ये जुमला कभी ना पढ़ता। 10 मुहर्रम को जब बाबा मर गया ना, अब वक्त नमाज आया, फूफियों को देखा नमाज पढ़ रही है, तो बीबी ने भी क्या किया, दो मुसल्ले बिछाए। उम्मे कुलसूम आगे बढ़ गई, कहा मेरी सकीना ये दो मुसल्ले क्यों बिछा रही हो? कहा फूफी अम्मा, एक अपने लिए। आज रुकमर अल्लाह, एक अपने लिए, एक अपने बाबा के लिए। कहा सकीना आप भूल जा, अब बाबा कभी नहीं आएगा। आजादारों मैं कैसे पढ़ू, जब आ गई ना शामे गरीबा, लग गया वो तमाचा सकीना को, जिसके बारे में अभी दो दिन मैंने पहले पढ़ा, वो तमाचा कैसा सख्त था। आज भी सकीना की कब्र से वो आवाज आ रही है, मेरे चचा मुझे अकबर की जागीर में। जब वो तमाचे लगे तो मुझे बताओ सकीना कहाँ गई? ये तो ज़ैनब से पूछो ना। जब सारे बच्चों को इकट्ठा किया तो कहा उम्मे कुलसूम, मुझे सकीना नजर नहीं आती। कहा है सकीना? उस वक्त बीबी फिजा ने कहा, ओ मेरी बेटी हो, तुम यकीनन थक गई हो, लेकिन मैंने सकीना को मक्तल की तरफ जाते हुए देखा है। आजादारों अब ज़ैनब दौड़ी, आवाज़ दी, ओ मेरे हुसैन, मुझे पता, मुझे सकीना नजर नहीं आती। जब गाना सकीना नजर नहीं आती, आवाज आई, इलैया इलैया, ओ मेरी बहन मेरी तरफ हो। जाके देखा, सर कटा लाशा है, लाशे के टुकड़े है, एक सी बच्ची है, अपने बाबा से लिपटी हुई। तो ज़ैनब ने पूछा, ओ सकीना तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा का लाशा है? तो कहा फूफी अम्मा, जब मुझे शिमर ने तमाचे मारे तो मैं उस वक्त मक्तल की तरफ दौड़ी, तो इस लाशों के टुकड़ों से आवाज आई, ओ मेरे सीने पे सोने वाली। आज रुकम अल्लाह रोने वालों, सैयद हूं तुम्हारा मेहमान हूं, हाथ जोड़ के कह रहा हूं, थकना नहीं है। आज जब अपने घरों को जाओ, अगर तुम्हारी बेटी सामने आए तो प्यार न करना, इतना कहना, ओ मेरी बेटी, आज हम सकीना का गम मना के आ रहे। वो कैसी सकीना है? जब पानी आ गया ना खेमों में, पानी आया, जनाबे ज़ैनब ने कहा, सज्जाद क्यों पेश कर रहे हो पानी, मुझे पानी नहीं पीना। कहा फूफी अम्मा, जरा देखो मेरी उंगलियों के दरमियान। क्या देखा?
पैगंबर के हाथ में जाम है, कहते है मेरा हुसैन पानी पी ले, कहते नाना जब तक मेरी जैनब प्यासी। अजादारों एक जुमला कहना है और दावत गम देना है कि जब काना जैनब प्यासी तो सैयद जैनब ने जाम ले लिया और कहा मेरी सकीना कहाँ है। जब सकीना आगे बढ़ी जाम उसके हाथों में दिया, कहा बेटा आले मोहम्मद का दस्तूर ये है, जब घर में कोई नई चीज आती है गैरतमंदों सैयदों के लिए पानी अब नया हो गया। जब कोई नई चीज आती है पहले बच्चों को दी जाती है। सुन सकोगे, सकीना ने जाम हाथों में लिया, मक्तल की तरफ दौड़ी। बीबी ने पूछा सकीना कहाँ जा रही हो, कहा फूफी अम्मा अभी तो आपने कहा है नई चीज पहले बच्चों को दी जाती है, मेरा असगर प्यासा, मुझे नहीं पता 11 मुहर्रम को सकीना ने कैसे अकबर को अलविदा किया होगा, कैसे असगर को अलविदा किया होगा, कैसे बाबा को अलविदा किया होगा, लेकिन जब काफला चलाना जो लोग ज्यारत के लिए गए हैं और अगर उस रास्ते से सफर किया हो जिससे काफला चला था, आपने देखा होगा कि हर थोड़े फासले पे कुछ नामालूम कब्रें हैं जिनकी शनाख्त नहीं है। वो कब्रें की है हुसैन के उन बच्चों की है जो बेपलाना ऊंटों पे अपने माओ के साथ सवार थे, अब माओ के हाथ बंधे हुए। जब ऊंटों को तेजी से चलाया जाता बच्चों के हाथ छूट जाते, बच्चे कहते अम्मा अलविदा, मैं भी कहती अलविदा, लेकिन एक ऐसा मरला आया कि अब बच्चा नहीं बच्ची गिर गए। सरे हुसैन रुक गया, शिमर ने ताजियाना लिया। सैयदू मैं तो यही कहूंगा ना, कलम लेकर सज्जाद की पुश्त पे तारीख करबला लिखी। तेरा और मेरा मौला कमर झुकी होए, बाबा के सामने जाके कहता है बाबा बाबा मेरी कमर को देख। कहा सज्जाद इससे पहले जो गिरे वो मेरे बच्चे थे, अब मेरी सकीना गिर गए। अदादारों यहाँ पे दो रवायतें हैं, दूसरी रवायत ज्यादा सख्त है, शायद आप नहीं सुन सकेंगे, मैं कैसे पढूं। अदादारों जैनब कुलसूम भी दौड़ती हुई आई सकीना को संभालने के लिए, लेकिन लोग पढ़ते हैं कि किसी जालिम का हाथ था सकीना को घोड़े के साथ दौड़ाता हुआ। यही वजह है शाम में जब यजीद की बेटी ने पूछा ना, रमला ने पूछा ऐ कैदन तू बता तेरे पांव जख्मी क्यों है। सुनोगे जुमला, सुनोगे जुमला, कहा रमला ना पूछ वरना मरते दम तक रोएगी, कहा बता, कहा जब मैं काफले से रह गई ना तो मेरी फूफियों से पहले शिमर आ गया, मुझे घोड़े के साथ दौड़ाता रहा, इसलिए मेरे पांव जख्मी है। आज रुकम अल्लाह रोने वालों ये वक्त दुआ है, जैनब की लाडली सकीना जिंदान में मौजूद है जिस जिंदान का छत नहीं है। जब परिंदे सुबह को जाते हैं ना तो बीबी सवाल करती है फूफी अम्मा ये परिंदे कहाँ जा रहे हैं, कहा ऐ बेटी ये रिज की तलाश में जा रहे हैं। जब शाम को लौटते बीबी फिर पूछती आप कहाँ जा रहे हैं, बीबी कहती सकीना ना खुद रो ना हमें रुला, ये अपने अपने घरों को जा रहे हैं। सकीना कहती फूफी अम्मा क्या हमारा कोई घर नहीं,
कहा सकीना सकीना हर कोई जाएगा मगर तू नहीं जाएगे। अजादारो वो वक्त आ गया, परसों भी मैंने पढ़ा, जो ही बाबा का सारा आया सकीना ने तीन नौहे पड़े थे, वो फिर दोहरा रहा हूं, कहा था यहाँ थे मन लदी खाते हाजे बाले यहाँ तक, ओ बाबा तेरी दाढ़ी को रंगीन किसने किया। अजीब जुमला है जो दूसरा कहा, कहा या आबते मन लजी ऐता मनी फी सिगरेसन ने, ओ बाबा मुझे बचपने में किसने यतीम किया। तीसरा जुमला ये था या आबते, अब देखना मेरी तरफ, बाबे की रगों को भी देखा, उस बहते हुए खून को भी देखा और कहा या आबते मन लजी काता वरीदाक, बाबा तेरे गले को किसने काटा। आवाज आई इन्ना लिल्लाह इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब सज्जाद के हैं हाथ पाबंद, सकीना को उठाया, कभी ज़ैनब के सामने, कभी रुबाब के सामने, कभी लैला के सामने, कभी फरवा के सामने, कहो मेरी माँ और फूफियो मेरी बहन से कोई गलती हो गई हो, मेरी बहन ने किसी को अगर कुछ कहा हो तो ये सज्जाद सकीना को लेके जा रहा है। ओ मुसलमानों, शायद आप ये सोचे कि जब सज्जाद निकले होंगे तो शामी सामने आ गए हो, जनाजा उठाया हो या कफन का इंतजाम, नहीं यही मैला कुर्ता गरीबों का कब्रिस्तान। और जब कब्र पे पहुंचा है सज्जाद, उलमा ने पढ़ा, कब्र से आवाज आई, ओ मेरा सज्जाद मेरी सकीना थक गई है, मेरी सकीना मेरे हवाले कर दो। या लाश से आवाज आई, ओ मेरे सज्जाद मेरे बाबा के हवाले तो कर रहे हो, मुझे ये बताओ मेरा चचा अब्बास कहाँ है। शायद मैं नहीं समझा सका, पहाड़ है मसाहिब का। कहा मेरा चचा अब्बास, उसने हाथ क्यों नहीं बढ़ाए। आवाज आई सकीना मैं भी आ गया लेकिन हाथ तो है नहीं। ओ मेरी सकीना अगर अब्बास के हाथ होते ना शिमर से तमाचे खाती। अपने जहनों को आमादा करो, ताबूत सकीना आने वाला है, अपने सीनों पे हाथ मार के कहो हाय सकीना हाय प्यास हाय सकीना।